तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पिछले सेशन में हम लोगों ने ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझ लिया था। आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसा जो कि हम लोग जानते हैं पहले से ही कि वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोग ऑस्मोसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म्स में समझते हैं, मतलब प्रेशर वगैरह के टर्म्स में उसे थोड़ा सा डील करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो, फिर से वही वाला फिगर बना देते हैं जो कल बनाया था, कि मान लो भाई कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यहां पे, इस कंटेनर में एक बीच में लगा हुआ है SPM, विच इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां पे सपोज करो कि हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है जिस पिस्टन को यूज करके हम लोग बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस पिस्टन टू अप्लाई सम पी एक्सटर्नल। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पे हमारे पास सॉल्यूशन है, कैसा भी सॉल्यूशन आप मान लो, 0.1 मोलर यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड ओवर हियर वी हैव वॉटर दैट इज प्योर सॉल्वेंट, तो यहां पर हमारे पास प्योर वॉटर है। ठीक है, अब अभी सपोज करो कि हम लोगों ने बाहर से कोई प्रेशर वगैरह अप्लाई नहीं किया है, अभी हमने बाहर से पी एक्सटर्नल कोई नहीं रखा है। ठीक है, पी एक्सटर्नल इज जीरो, सपोज करो कोई बाहर से हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं किया है। अच्छा, ये बीच में लगा हुआ है एक SPM, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि यहां प्योर सॉल्वेंट है और यहां पर सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहां कम है और यहां पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि SPM के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास कर सकते हैं और वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कंपार्टमेंट बी से कंपार्टमेंट ए में पास करेंगे और इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। नाउ इफ वी ट्राई टू विजुलाइज दिस प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर के टर्म्स में अगर सोचें, तो देखो बेटा इधर क्या हो रहा है, इधर आपने सिर्फ सॉल्वेंट लिया है, इस कंपार्टमेंट में सिर्फ सॉल्वेंट लिया है, तो इस SPM में इधर जो भी कोलिजन्स हो रहे होंगे, जो भी मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, टकरा के इस SPM पर प्रेशर लगा रहे होंगे, वो सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इधर जो है वो सिर्फ पानी प्रेशर लगा रहा है SPM के इस वाले साइड पर। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने 0.1 मोलर एक्वस यूरिया का सोल्यूशन लिया है, तो यूरिया का सोल्यूशन लिया है तो SPM के इस साइड पर कुछ कुछ जगह पर यूरिया के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मान लो ये लाल वाले यूरिया के मॉलिक्यूल्स, तो यूरिया के सर्फ जो भी सोल्यूट है उसके कुछ पार्टिकल्स जो है वो यहां पर प्रेजेंट होंगे, तो इस साइड से जो कोलिजन्स हो रहे होंगे उन कोलिजन्स में सिर्फ सॉल्वेंट नहीं है, मतलब यहां पे कहीं कहीं पर जगह सोल्यूट ने ब्लॉक कर रखी है, तो बेसिकली इस वाले डायरेक्शन से सॉल्वेंट का प्रेशर कम है और इस वाले डायरेक्शन से सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा है, तो कोई भी चीज अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। भाई इधर सिर्फ सॉल्वेंट प्रेशर लगा रहा है, इधर कुछ कुछ जगह पे सॉल्यूट आके फंस गया, तो वहां पे पानी का मॉलिक्यूल नहीं टकरा पा रहा है, तो पानी का प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो क्रॉस ओवर करके आ जा रहा है, और इसी प्रोसेस को आपने कल की क्लास में समझा था कि इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, अब सपोज करो कि हम यहां से एक्सटर्नल प्रेशर इस पर अप्लाई करना चालू करें, तो तुमने 9th-10th में एक फिजिक्स में लॉ पढ़ा होगा, पास्कल्स लॉ, कि फ्लूइड में प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होता है पूरा,
तो अगर तुम यहां से एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तो इधर से सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो बढ़ने लगेगा, और सॉल्वेंट का प्रेशर अगर बढ़ेगा तो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे, ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्लो होने लग जाएगा, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर पर जाकर ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हम जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इस सॉल्वेंट, जो ये जो सॉल्वेंट यहां प्रेजेंट है, वो सॉल्वेंट इधर से धक्का मार के इस साइड भी प्रेशर बढ़ाने लगेगा, और किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर पर द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस विल स्टॉप। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात क्लियर है सबको? बताइए जल्दी से। यस सर। तो जिस वैल्यू ऑफ पी एक्सटर्नल पर है ना, आपने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया तो इधर से सॉल्वेंट प्रेशर बढ़ रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ये दोनों प्रेशर्स दोनों साइड के इक्वलाइज हो जाएंगे। तो जैसे ही इक्वलाइज हुए तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस वहां पर हो गया बंद, और इसी के साथ हम लोग लिख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की डेफिनेशन। लिखिए द वैल्यू ऑफ P external which just stops the movement of solvent particles from solvent to solution side, the value of P external which just stops the movement of solvent particles from solvent to solution side is called the osmotic pressure pi of सोल्यूशन। ये सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। द वैल्यू ऑफ पी एक्सटर्नल विच जस्ट स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन साइड, ये पी एक्सटर्नल जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को बंद कर दे, उस पी एक्सटर्नल को हम लोग इस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई के नाम से जानते हैं। And my dear students, pi, as discussed earlier, is a colligative property. यहां मैं लिख रहा हूं, आप इसी के आगे लिखना। pi is a colligative property. ये बात अभी तक हमने रट्टा मारी थी, आइए इसको फील करते हैं कि pi colligative property क्यों है। Colligative property क्या होता है? Which is directly proportional to the number of solute particles. तो अब आप सोचो कि आप यहां पर जितना ज्यादा solute का concentration रखोगे, जितना ज्यादा moles रखोगे या molarity जो भी समझो, तो जितनी ज्यादा solute की concentration रखोगे उतना ज्यादा solute इस साइड को ब्लॉक करेगा, यहां से वो solute यहां पे आके फंस जाएगा। तो जितना ज्यादा यहां पर solute की concentration होगी, यहां से लगने वाला सॉल्वेंट का प्रेशर जो है वो हो जाएगा कम। भाई अगर सॉल्यूट ज्यादा है, जितनी ज्यादा उसकी कंसेंट्रेशन होगी, जितने ज्यादा उसके मोल्स होंगे, उतनी ज्यादा जगह पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स अगर ज्यादा जगह पे रहेंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो सॉल्वेंट का प्रेशर भी कम हो जाएगा। अच्छा भाई, इधर तो प्योर सॉल्वेंट है, इधर तो उतना ही प्रेशर लग रहा है, इधर से सॉल्वेंट का प्रेशर जितना कम होता जाएगा, तुम्हें बाहर से जो पी एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस रोकने के लिए, वो उतना ज्यादा हो जाएगा। यहां पे सॉल्यूट बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट का प्रेशर कम होगा, सॉल्वेंट का प्रेशर कम होगा तो तुम्हें जो एक्सटर्नल, तुम पाई किसको बोल रहे हो? इस एक्सटर्नल प्रेशर को पाई बोल रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है?
तो जितना ज्यादा सोल्यूट मिलाओगे यहाँ पे तुम्हें ये पी एक्सटर्नल उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा सोल्यूट होगा पी एक्सटर्नल उतना ज्यादा होगा तो पाई की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, और इसीलिए हम लोग इसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई है? पाई इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो फटाफट से सब लोग, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, जल्दी नोट करो तुरंत। ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आप देखो कि अगर जो आप पी एक्सटर्नल लगा रहे हो, ठीक है, जो आप पी एक्सटर्नल लगा रहे हो, अगर वो पी एक्सटर्नल पाई से कम है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हो वो पाई से कम है, तो क्या होगा बताओ जरा? ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? यस सर। अगर पी एक्सटर्नल पाई से कम होगा, भाई पाई पे जाके रुका था ना, तो अगर पाई से कम होगा तो ऐसे केस में ऑस्मोसिस हो रहा है अभी, होगा, लिख लो इस बात को, होगा ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। अच्छा भाई, अगर पी एक्सटर्नल पाई के बराबर हो गया तो क्या होगा? नहीं, नो ऑस्मोसिस, ऐसे केस में ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा। और अगर पी एक्सटर्नल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन पाई हुआ तो क्या होगा? अगर पी एक्सटर्नल को तुमने पाई से ज्यादा कर दिया, इधर लगा हुआ है एसपीएम, ठीक है, और यहां पर तुमने लगाया है एक पिस्टन, और तुमने यहां से जो प्रेशर लगाया, ठीक है, वो प्रेशर, इधर सॉल्यूशन है इधर सॉल्वेंट है, वो प्रेशर पाई से ज्यादा है तो क्या होगा बेटा बताओ जरा? तो इधर प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या होगा? एसपीएम पे प्रेशर बढ़ेगा। अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, इधर से सॉल्वेंट पे प्रेशर ज्यादा हो गया तो उल्टा काम चालू हो जाएगा ना, इधर आने लगेगा ना सॉल्वेंट, समझ रहे हो बात को? रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ, तो ये क्या होगा ऐसे केस में, ऑडियो ऑफ कर देते हैं एक बार फिर से तुम लोग का, ऐसे केस में क्या होगा कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस विपरीत दिशा में, उल्टे डायरेक्शन में होने लगेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। The reverse of osmosis will take place, और जिसे कि हम लोग यूज करते हैं वॉटर प्यूरिफायर्स में, ठीक है, जो वॉटर प्यूरिफायर में बोलते हो ना RO वॉटर प्यूरिफायर, उसमें RO का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, RO stands for reverse osmosis। तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पे मान लो कोई गंदा पानी है जिसमें impurities dissolved है, solution है, और तुमने एसपीएम लगाया, यहां से खूब हाई प्रेशर लगाते हो, तो इधर जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास करके आते हैं और यहां पर तुम्हें शुद्ध पानी मिल जाता है जिसको तुम बाहर निकाल के पी जाते हो, समझ गया ना बात को? तो दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर्स, नोट कर लो चाहो तो। जो आरओ आरओ बोलते रहते हैं उसमें आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर में हम लोग इसे यूज करते हैं, राइट? सो दिस वॉज अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने ये भी फील किया कि ये क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं, इसको सब लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, ये जो मेथड है जो मैंने बताया ना, ये पी एक्सटर्नल लगा करके, इस मेथड का एक नाम भी होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने एक बहुत सिंपल डिजाइन से आपको बताया है, इस मेथड का एक नाम होता है, कभी कोई पूछ ले कि लैब में कैसे निकाला जाता है, तो इस मेथड को बोलते हैं द बर्कले हार्टले मेथड।
बर्कले हार्टले मेथड क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ पाई, बर्कले हार्टले मेथड। वैसे बर्कले हार्टले मेथड का एपरेटस थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें समझाया, बट उसका जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये नीट विट की एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है, बहुत पहले एक बार पूछा गया था तो जस्ट दिमाग में आया तो इससे बता दिया, बाकी बहुत तुम लोग को जरूरत नहीं। जेई में नाम वाम, साइंस की खोज किस सन में हुई, ये सब नहीं पूछा जाता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को बर्कले हार्टले मेथड बोलते हैं। क्या है? एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन ऑफ पाई। चलो नोट हो गया सबका? यस सर। ठीक है, तो अच्छा पाई को निकालने का एक और तरीका होता है, उस पर भी बेस्ड कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वो कैसे होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो सिंपल फ्लूइड्स का प्रेशर है, रो जी एच वाला फॉर्मूला तुम्हें पता ही होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा है तुमने, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो जैसे सपोज करो कि यहां पे तुम्हारे पास क्या है कि प्योर सॉल्वेंट है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मान लो इस टाइप का एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया ऐसा एक, है ना, और इस कोनिकल फ्लास्क में, ऑडियो ऑफ कर दो बेटा अपना, ये नीचे की तरफ जो है वो लगा हुआ है, कोनिकल फ्लास्क में नीचे की तरफ SPM लगा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर, इनसाइड द कोनिकल फ्लास्क, हमने लिया हुआ है सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन है और बाहर क्या है, सॉल्वेंट है। और ये दोनों आप सपोज करो इनिशियली सेम हाइट पर है, सेम लेवल पर है, सो दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सेम हाइट पर है तो ये भी एच हाइट है और ये भी एच हाइट है, तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा भैया बीच में SPM है, बाहर प्योर सॉल्वेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जाएंगे, इस तरह से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब जैसे ऐसे इसमें सॉल्वेंट जाने लगेगा तो ये बहुत पतली सी ट्यूब रहती है, तो इसमें हाइट जो है वो क्या होगी, हाइट इसमें राइज करेगी, राइज करेगी, राइज करेगी, इधर भी हाइट फॉल करेगी कुछ, लेकिन ये बहुत चौड़ा है, बहुत ब्रॉड है, तो थोड़ा मोड़ा पानी जाएगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मान लो कुछ फॉल कर गया तो फाइनली जो है किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर एच पर ये फर्दर फिर राइज करना बंद कर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, तो ये एच जो है वो इन दोनों की, इस सर्फेस और इस सर्फेस के बीच में हाइट का डिफरेंस है, तो यही है एक्स्ट्रा प्रेशर, है ना। पहले तो प्रेशर सेम थे लेकिन अभी यही एक्स्ट्रा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को होने से रोक रहा है। तो इस प्रेशर को कैसे निकालोगे, इस प्रेशर को निकालने का तरीका होता है रो इंटू जी इंटू एच। तो इस प्रकार से भी लैब में ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला जा सकता है, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं रो जी एच, रो क्या है, रो है ये लिक्विड का और ये लिक्विड क्या है, सोल्यूशन है, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इस तरह से भी हम लोग पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर यू कैन से एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ पाई, राइट। तो इस तरह से भी हम लोग पाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से। अच्छा फिर नेक्स्ट सिचुएशन देखो, कभी मान लो कोई इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास
एक कंपार्टमेंट है, मतलब एक कंटेनर है। इस कंटेनर में बीच में हमने लगाया हुआ है SPM लगाया है और दिस इज कंपार्टमेंट ए। इसमें हमारे पास है 0.1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन एंड दिस इज कंपार्टमेंट बी। इधर हमारे पास है 1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि किधर प्रेशर लगाया जाए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए और कितना प्रेशर किधर लगाओगे, पहले ये बताओ। कंपार्टमेंट ए की साइड लगाओगे या कंपार्टमेंट बी की साइड लगाओगे ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए? बी साइड। देखो पहले तो आप ये सोचो कि ऑस्मोसिस किधर होता, तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ होता, इधर जाते पानी के मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर क्या है, सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट कम है, यहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना है, ऑस्मोसिस को स्टॉप करना है, तो यहां पर जो आप प्रेशर लगाओगे वो प्रेशर आप बी वाली साइड से लगाओगे। ठीक है, और वो प्रेशर कितना लगाओगे, वो प्रेशर आप लगाओगे पाई वन माइनस पाई टू के बराबर, पाई वन माइनस पाई टू के बराबर। देखो इस बार क्या है, सॉल्वेंट नहीं है बेटा। देखो तुम इसको इस तरह से समझ लो कि सपोज करो कि इधर वाले कंपार्टमेंट में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाले कंपार्टमेंट में, अच्छा वन मैंने किसको बोला है, वन वो जिसका पाई ज्यादा है, पाई किसका ज्यादा है, जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा है। सो दिस इज वन एंड दिस इज टू। मान लो कि इधर वाले कंपार्टमेंट में सिर्फ प्योर सॉल्वेंट होता, ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, इस बात की फील लेने के लिए, अगर इधर सॉल्वेंट होता, ठीक है, अब तुम क्या करो कि एक बार इधर सॉल्यूशन नंबर वन भर दो, इधर तो सोचो सॉल्वेंट है, ठीक है, और इधर तुम सॉल्यूशन नंबर वन भरो। सॉल्यूशन नंबर वन मैं किसे बोल रहा हूं, 1 मोलर एक्वस यूरिया को बोल रहा हूं। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो तुम्हें बाहर से पाई भी, एक्सटर्नल प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो वो सपोज करो प्रेशर आया पाई वन। ठीक है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड है फॉर द सिचुएशन जब दूसरी तरफ सॉल्वेंट है। तो मान लो कि इधर प्योर सॉल्वेंट होता और इधर सॉल्यूशन नंबर वन होता। सॉल्यूशन नंबर वन क्या है, 1 मोलर एक्वस यूरिया। तो तुमको ऑस्मोसिस रोकने के लिए कुछ प्रेशर लगाना पड़ता, उस प्रेशर को मैंने नाम दे दिया, उस प्रेशर को मैंने नाम दे दिया पाई वन। समझ रहे हो बात को? अब सपोज करो कि तुमने ये वाला सॉल्यूशन यहां से बाहर निकाला और ये दूसरा वाला सॉल्यूशन यहां पे डाला। ये बात समझ में आ रही, दूसरा वाला सॉल्यूशन नंबर टू। सॉल्यूशन नंबर टू क्या है, 0.1 मोलर एक्वस यूरिया, और इधर तो खाली सॉल्वेंट है और इधर तुमने क्या डाल दिया, सॉल्यूशन नंबर टू डाल दिया। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन नंबर टू की कंसंट्रेशन कम है, तो यहां सॉल्यूट कम है, तो यहां पे तुम्हें ऑस्मोसिस रोकने के लिए कुछ बाहर से प्रेशर लगाना पड़ता, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते और वो होता पाई टू। तो जब जब इस वाले कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन नंबर वन है, ठीक है, तो ऑस्मोसिस रोकने के लिए पाई वन लगाना पड़ रहा है। जब इधर प्योर सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन नंबर टू है, तो ऑस्मोसिस रोकने के लिए पाई टू लगाना पड़ रहा है। लेकिन जब अब एक तरफ सॉल्यूशन नंबर वन रख दोगे, एक तरफ सॉल्यूशन नंबर टू रख दोगे, तो तुम्हें इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है, वही प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस रोकने के लिए।
इस पी एक्सटर्नल को तुम ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बोलोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए। बट अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन होगा तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है माइनस जिसका कम है, उन दोनों के डिफरेंस के बराबर अगर तुम पी एक्सटर्नल लगा दोगे तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई है? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहां पे तुमको पाई वन माइनस पाई टू लगाना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब क्या है, इसको नोट कर लिया सबने? इज इट नोटेड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अब पाई के कैलकुलेशन, पाई का मतलब तो समझ गए हम लोग, अब हम लोग पाई का कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं। तो पाई को कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, एंड पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, एंड एक्सपेरिमेंटली पाई इज गिवन बाय सी इंटू आर इंटू टी। अब ये फॉर्मूला क्या है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, इसको हमको सीधे सीधे रट्टा मार लेना है, इसका कोई ऐसा सच प्रूफ वगैरह नहीं है, और ये बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन जैसा ही है बेटा, है ना। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन में, ठीक है, इसको हम लोग वैन थॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं, बट इट इज जस्ट लाइक आइडियल गैस इक्वेशन। पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। सी क्या है यहां पर, सी है मोलैरिटी। किसी भी सॉल्यूशन का पाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, सी आर टी कर दोगे। C is molarity, R you know, R is universal gas constant, अभी सब डिस्कस करते हैं, universal gas constant, नोट करो जल्दी फटाफट, बहुत आसान है इसके आगे। T is temperature in Kelvin, ठीक है। तो CRT करके हम लोग किसी solution का पाई निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसे just like ideal gas equation को कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तो सी क्या होता है भाई, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी जगह मोल्स अपॉन वॉल्यूम सोचो, इनटू आरटी। तो यहां से क्या आ गया, पाई वी इज इक्वल्स टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या पड़ी थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहां पे क्या आ रहा है, पाई वी इक्वल टू एनआरटी। तो इस तरह से हम लोग किसी सोल्यूशन का पाई निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा यूनिट वगैरह हम लोग डिस्कस करें तो पाई की यूनिट क्या आएगी, देखिए पाई की यूनिट जो है वो आएगी सी इंटू आर इंटू टी की यूनिट के बराबर, राइट, सी इंटू आर इंटू टी की यूनिट के बराबर। अच्छा भाई, अब सी क्या है, सी है कंसेंट्रेशन, मोलारिटी, तो सी को तुम डालोगे मोल अपॉन लीटर में, और लीटर अगर आ गया तो अब इसका मतलब निकलता है कि R को तुम्हें लीटर एटमॉस्फियर पर मोल केल्विन में ही निकालना होगा, मतलब मोल केल्विन में ही डालना होगा, इस यूनिट में डालना होगा। और टेम्परेचर को किस में डालोगे, टेम्परेचर को केल्विन में डालोगे। तो देखो भाई अभी क्या हो गया, फटाफट से समझो, केल्विन केल्विन कट गया, मोल से मोल कट गया, लीटर से लीटर कट गया, और पाई जो है वो किस में आ गया, एटीएम में आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी सीआरटी करके पाई का कैलकुलेशन कर रहे होंगे, सॉरी, जब भी हम लोग सीआरटी करके पाई का कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम लोग आर का वहां पर लीटर एटमॉस्फियर वाला यूनिट यूज करेंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी को ये याद होगा कि लीट, वैसे तो क्वेश्चन में दिया रहता है बट अगर कभी नहीं दिया हो तो आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल इनटू केल्विन ये होती है, और इसी वैल्यू को हम लोग अपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये सब पढ़ाया हुआ है आपको, 1/12 लीटर एटमॉस्फियर पर मोल केल्विन भी लेते हैं, ठीक है।
तो जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट कर लें। पाई निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीआरटी कर देना है बस। सी क्या है, कंसेंट्रेशन, आर तुम जानते हो, टी तुम जानते हो, क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, और पाई किस यूनिट में आएगा, एटीएम में आएगा, क्योंकि कंसेंट्रेशन को मोल पर लीटर में डाल रहे हो, इसलिए आर की भी लीटर एटमोस्फियर वाली वैल्यू ही यूज करोगे। आर की लीटर एटमोस्फियर वाली वैल्यू तुम बचपन से जानते हो, 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर मोल केल्विन, जिसको 1/12 भी हम लोग कई बार लेते हैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ये दोनों क्वांटिटीज बराबर ही होती है। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग अहेड। अब क्या है कि पाई तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको सल्यूट किसका है या कौन सा है इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो अगर सॉल्यूशन में मोर देन, अगर सॉल्यूशन में मोर देन वन सॉल्यूट प्रेजेंट है, जैसे मान लो उसी सॉल्यूशन में हमने यूरिया भी मिला दिया, ग्लूकोज मिला दिया, सबके कुछ कुछ मोल हैं, तो सी कैसे निकालें, कोई चिंता का विषय नहीं है भाई। कोई भी सॉल्यूट हो, मुझे उससे क्या करना है, मुझे तो सॉल्यूट के मोल से मतलब है। तो अगर यहां पे लिख लेना, सॉरी, मोर देन वन सॉल्यूट, मोर देन वन सॉल्यूट, अगर एक से ज्यादा सॉल्यूट है, तो एक से ज्यादा सॉल्यूट है तो कुछ चिंता नहीं करना है भाई, कितना भी सॉल्यूट हो, N1 प्लस N2 प्लस N3, जितने भी सॉल्यूट हैं सबके मोल पकड़ के जोड़ दो। समझ गए बात को, ये टोटल मोल्स ऑफ ऑल सॉल्यूट हो गया, और उसको V से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, हो गया ये। ये सी आ जाएगा, इस सी से सी, क्योंकि हम क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे तो बस मोल ऑफ सॉल्यूट से मतलब है, वो सॉल्यूट किसका है इससे क्या फर्क पड़ता है। जो भी सॉल्यूट है सबका मोल पकड़ के जोड़ दो एक साथ, ठीक है। इसी चीज को तुम इस तरह से भी सोच सकते हो, कैसे, कि N1/V को तुम सोच लो C1, N2/V को तुम सोच लो C2, N3/V को तुम सोच लो C3 प्लस ... तो ऐसे केस में पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस ... होल ब्रैकेट इनटू आईटी। इस तरह से पाई निकाल लोगे, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अच्छा, अगर सबने नोट कर लिया होगा, अच्छा, अगर कभी एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन हो रहा हो, है ना, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेंटहॉफ फैक्टर, ठीक है, तो अगर कभी एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो, तो तुम्हें मालूम है जब भी ऐसा होता है तो जहां जहां पर भी सल्यूट का मोल आए उसको आई से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि आई से मल्टीप्लाई करने पर वो एक्चुअल मोल्स आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा भाई, पहले तुम क्या लिखते थे, सीआरटी, सी क्या होता था, N/V, अब एन को IN लिखना पड़ेगा ना, तो ये बन जाएगा I into CRT, ये मॉडिफाइड फॉर्मूला आ जाएगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन केस में, Pi = ICRT। अगर एक से ज्यादा सल्यूट है ना उसी सॉल्यूशन में, और सभी सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हैं, एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहे हैं, तो सब अलग अलग सल्यूट का आई अलग अलग हो सकता है, अल्फा क्या है, एन क्या है, इस पे डिपेंड करेगा। तो एक से ज्यादा सल्यूट है और सभी अलग अलग डिसोसिएट कर रहे हैं, है ना, तो तुम क्या कर देना, I1C1 प्लस I2C2 प्लस ... सबका अपना अलग अलग आई होगा, सबका कंसेंट्रेशन होगा, इनटू क्या कर देना, आरटी कर देना, है ना, मोर देन वन सॉल्यूट प्रेजेंट है और सबका आई भी अलग अलग है, तो इस तरह से कर लोगे। फिर उसके बाद कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे दो सॉल्यूशंस हैं, एक है सॉल्यूशन वन
और दूसरा है सॉल्यूशन टू, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई वन है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई टू है, ठीक है। तो अगर पाई वन इक्वल्स टू पाई टू है तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर पाई वन इक्वल्स टू पाई टू है तो ऐसे सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और पाई वन इक्वल टू पाई टू तब, पाई वन इक्वल टू पाई टू तब होता है या आइसोटोनिक सॉल्यूशंस तब होते हैं जब कंसेंट्रेशन सेम हो, है ना। जैसे पाई वन को तुम क्या सोचोगे, सेम टेम्परेचर पे कंपेयर किया जाता है, सेम टेम्परेचर। जैसे तुम सोच सकते हो सर टेम्परेचर अलग अलग है तो क्या होगा, तो हम लोग आइसोटोनिक वगैरह की बात हमेशा सेम टेम्परेचर पे करते हैं, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ये क्या होगा, आर टी आर टी, सी वन आर टी लिखे, सी टू आर टी लिखे, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सी वन इक्वल टू सी टू। तो कभी भी, या अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो आई वन सी वन इक्वल्स टू आई टू सी टू। तो कभी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, दे आर कंपेयर्ड एट सेम टेम्परेचर, और सेम टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम तब होगा जब कंसेंट्रेशन भी सेम हो। मतलब आइसोटोनिक बोल रहा है मतलब सेम कंसेंट्रेशन है। क्या यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया सबका? यस सर। नोट हो गया बेटा सबका, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन हो गया है। बोलो भाई फटाफट बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। गुड गुड गुड। अच्छा अब ऐसा सपोज करो कि पाई वन और पाई टू बराबर नहीं होता, लेट्स से वही दो सॉल्यूशंस हैं, पाई वन जो है वो मान लो कि ग्रेटर देन पाई टू ऐसा होता, तो इसको क्या है, दो तरह से बोला जा सकता है। एक तो बोला जा सकता है कि सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन वन इज हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन वन इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन टू। या ऐसे बोला जा सकता है that solution 2 is hypotonic with respect to solution 1. ठीक है, अगर दोनों का सेम है तो क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। अगर सेम नहीं है, एक का ज्यादा है दूसरे का कम है, तो जिसका ज्यादा है उसको हाइपर बोल सकते हो। भाई हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा, हाइपर टेंशन हो गया मुझे, हाइपरटेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन हो गया, ठीक है। तो हाइपरटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और हाइपोटोनिक मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। अगर बराबर है तो आइसोटोनिक, ठीक है। तो दिस इज द ब्रीफ थ्योरी अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं एक दो। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक से सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी ऑफ 0.1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस यूरिया सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, ठीक है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे भाई, हम लोग यूरिया, हम लोग जानते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो
तो हम लोग लिख देंगे पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, तो सी की जगह हमने रखा 0.1, आई वाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आर की जगह 0.082 रख दो या 1/12 जो भी तुम्हें ठीक लगे, और टेम्परेचर रखो 300 केल्विन, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, 12 से ये कट गया 25 और 0.1, तो ये आ गया 2.5 एटीएम के आसपास इसका आंसर, ठीक है। अब सवाल आता है कि इतना रद्दी क्वेश्चन हम लोगों ने क्यों किया, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है सीआरटी। तो इस बेकार से क्वेश्चन को करने के पीछे भी एक सेंस है, एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग ये बात समझें कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस का, जैसे 0.1 इज अ वेरी स्मॉल मोलारिटी है ना, काफी कम मोलारिटी की वैल्यू है ये, तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस का भी ऑस्मोटिक प्रेशर की एक रीजनेबल वैल्यू है। रीजनेबल वैल्यू से मेरा मतलब है कि जरूरत से ज्यादा बड़ी नहीं है और जरूरत से ज्यादा छोटी भी नहीं है, ठीक है। 2.5 एटीएम एक ठीक ठाक प्रेशर है। तो अब क्या होता है, देखो बहुत कॉमन सेंस की बात है, अगर किसी चीज की वैल्यू, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, बहुत ज्यादा बड़ी हो टू लार्ज, या बहुत ज्यादा छोटी हो टू स्मॉल, तो इन दोनों ही केसेस में एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर कर पाना जो है वो डिफिकल्ट है, आप आसानी से उस चीज को मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आप जिस कमरे में भी बैठे हो उस कमरे की लंबाई कितनी है, तो आप इंची टेप लेके नाप दोगे, 2 मिनट का काम है, पता चल जाएगा कितनी लंबाई है, चौड़ाई कितनी वो भी नाप दोगे। लेकिन मैं आपको बोलूं कि यहां से लेके सूरज तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी आप इंची टेप लेके नहीं नाप पाओगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। या मैं आपसे बोलूं कि एटम का रेडियस कितना है, तो एटम का रेडियस भी आप इंची टेप लेके नहीं नाप पाओगे क्योंकि वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो अगर किसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा छोटी है, तो उसको लैब में प्रैक्टिकली उसको मेजर कर पाना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ मैं चाहूंगा आप सब लोग अपनी कॉपी में नोट करें, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं यहां तक लिखने के बाद कॉपीज में नोट करिए, द पाई ऑफ वेरी डायल्यूट सॉल्यूशंस हैज अ रीजनेबल वैल्यू, the pi of very dilute solutions has a reasonable value, the pi of very dilute solutions has a reasonable value, therefore its experimental measurement, therefore its experimental measurement is, therefore its experimental measurement is easy, therefore its experimental measurement is easy, and pi becomes the preferred colligative property, and pi becomes the preferred colligative property for finding out the molar mass of an unknown solute, ठीक है। तो हमारे पास फॉर फाइंडिंग आउट द मोलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट, इतना सबने नोट कर लिया है, बताइए जल्दी से। यस सर, यस सर। तो देखो क्या है बेटा कि हमारे पास कोई अननोन सॉल्यूट है, जैसे याद करो हमने अभी पिछली क्लास में भी शायद एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमको डेल्टा पी वगैरह शायद पता था और मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, ये बात समझ में आ रहा है।
ऑफ अननोन सल्यूट. तो हमारे पास अगर कोई अननोन सल्यूट है, ठीक है, और हम उस अननोन सल्यूट का मोलर मास निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास वैसे तो चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आर एल वी पी, पाई, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ. ठीक है, इन चारों में से कोई भी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाला जा सकता है. लेकिन हमारी जो प्रिफर्ड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्योंकि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ठीक ठाक है, जिसे लैब में मेजर करना, नाप पाना बहुत आसान है. बाकी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बहुत छोटी छोटी होती है. वेपर प्रेशर कम होता है, लेकिन एक टॉर से कम हो गया, दो टॉर से कम हो गया, तो इतना छोटा सा चेंज तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आसानी से. इस तरह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन जरा सा बढ़ गया 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाओगे. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को तुम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत डायल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी इसकी वैल्यू ठीक ठाक रहती है. ये जो बात आप लोगों ने लिखी है, इसी को समझने के लिए लेट्स डू अ सिंपल न्यूमेरिकल. ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. 10 ग्राम ऑफ एन, जल्दी जल्दी लिखो, अननोन सब्सटेंस, 10 ग्राम ऑफ एन अननोन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड to make 500 ml of solution at 300 Kelvin, pi is equals to 1.23 atm, find molecular weight ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो हमने 10 ग्राम किसी अननोन सब्सटेंस का किसी सॉल्वेंट में, मान लो पानी ही ले लो, डिसॉल्व करके 500 ml सॉल्यूशन बनाया 300 केल्विन पे, उसका पाई इतना है, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है. तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी. अच्छा, मैंने कल भी बताया था, अननोन सॉल्यूट, जब तक सल्यूट के बारे में कुछ पता नहीं है अगर, तो उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट माना जाता है. ये मैंने कल भी बताया था, तो आई वाई के चक्कर में नहीं पड़ेंगे भाई. जब पता ही नहीं है क्या है, तो कैसे उसके आई के बारे में बात करें, है ना. तो अननोन सल्यूट अगर रहता है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो पाई इज इक्वल्स टू सी. सी क्या लिखोगे, कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन क्या लिखोगे, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो मोल्स हो गया 10 अपॉन मोलर मास, और वॉल्यूम इन लीटर हो गया 500 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, आर की जगह 1/12 डालोगे, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 के बराबर. ठीक है, तो बस पाई इज इक्वल्स टू सीआरटी कर दो, यहां से तुम्हारे पास मोलर मास का वैल्यू आ जाएगा. जो भी आंसर आया निकाल लेना यहां से. क्या समझ गए सब लोग बात को, इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इन द मीन टाइम आपको क्या करना है कि जो मैंने कुछ आज क्वेश्चंस दिए हैं, पहले तो वो अटेम्प्ट कर लेने हैं आप लोगों को. अच्छा, दूसरी चीज, एग्जाम बाइट वाली ऐप पे रविराज सर ने, फिजिक्स वाले सर ने आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो 12th का पहला चैप्टर होता है वो कंप्लीट कर दिया है पूरा. तो हम लोग ऐप पे जो है वो भी अपलोड करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर. होपफुली, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल तक शायद हो जाना चाहिए. ठीक है, तो वो जैसे ही हो जाएगा मैं ग्रुप पे नोटिफिकेशन भेज दूंगा, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे. अच्छा, सर जो है वो ग्रुप पे आप लोगों को असाइनमेंट भी भेजेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो वो भी आप अटेम्प्ट करेंगे. और बाकी हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द बाकी सब लोग भी जो है वो ऑनलाइन होके आप लोगों का कुछ कुछ सेशन जो है कि कुछ चीज आपने वीडियो से देख लिया, फिर डिस्कशन हो गया, दोनों चीजों का मिक्स एंड मैच करके जो है जब तक लॉकडाउन है तब तक इसी तरह से कंटिन्यू. और बाकी आज मैंने आपको 10th वाले बैच का अनाउंसमेंट का डिटेल्स भेजा था, जो 10th मूविंग 11th स्टूडेंट है. तो कोई भाई बहन, दोस्त, बंधु, रिलेटिव, पड़ोसी, चाचा, मामा, फूफा, ताऊ का बेटा, कोई भी हो,
उसको बता दीजिएगा 21 अप्रैल से बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और 11th का तो वीडियो लेक्चर्स पूरा रेडी ही है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी, पढ़ाएंगे सारी बातें। तो कोई भी जो भी आपके रेफरेंस में हो और कोई भी जान पहचान का हो तो उसको रिकमेंड कर दीजिएगा। और अभी फी वगैरह कुछ बहुत ज्यादा पे नहीं करना, बहुत एक नॉमिनल चार्ज जो है, और ऑफिस का नंबर दे दीजिएगा 7070 746 746, ठीक है? तो ये ऑफिस वाला नंबर पे कॉल करके सारी इंक्वायरी वो कर लेंगे, मैम लोग बता देंगे, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। सॉल्यूशंस हम लोग का बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इसको खत्म करके मैं सोच रहा हूँ कुछ ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? जी ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी सर।